नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, मिथुन चक्रवर्ती आए थे नाग बनकर, डसने के लिए आए थे नाग बनकर फुंकार मारते हुए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम ठंडा कर दिया, एकदम चूहा बनाकर बिल में ढकेल दिया। जी हां, आप सोचिए कि मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया, ये कितना बड़ा धोखा कहें या कितनी बड़ी सज़ा कहें मिथुन चक्रवर्ती के लिए कि आए थे नाग बनकर और ये कहते थे कि मारबो यहाँ और शमशान में मिलेगी। मतलब सोचिए कि लाश की, मारने की, नाग की, जहर की बात करने वाला आदमी आज ठंडा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा कर दिया है। अब इसे धोखा कहेंगे? बिल्कुल धोखा कहेंगे कि जिस बंगाल में नेताओं की इतनी किल्लत है, जिस बंगाल में इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जिस बंगाल में आप सोचिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना टिकट बिना मांगे हुए दे दिया जा रहा है, और वो प्रत्याशी, जी हाँ, शिखा मित्रा की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको कलकत्ता के चौरंगी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दे दिया था और उसने टिकट को फाड़ के समझ लिया, मोदी के मुँह पर मार दिया कि, और कहा कि मुझे बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना है। तो उस बंगाल में जहां पर इनके पास नेताओं की इतनी किल्लत है, वहां पर मिथुन चक्रवर्ती को टिकट नहीं दिया, वहां पर इनका पत्ता साफ कर दिया और कह दिया भैया चुपचाप बैठे रहो, नाक की तरह बिल में से मुंह निकालो, फुंकार मारो और फिर अंदर छुप के बैठ जाओ। साथियों, हम थोड़ा सा अब आपको खबर विस्तार से बता देते हैं कि मोदी के मंच से खुद को कोबरा कहने वाले मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी ने नहीं बनाया प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपनी चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बंगाल के चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 13 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हालांकि इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है, जिन्होंने बीते दिनों बीजेपी ज्वाइन की थी। अब तक मिली रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मिथुन बीजेपी के लिए फिलहाल चुनाव प्रचार ही करेंगे, लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। अब सोचिए, न जाने कौन कौन सी तमन्नाएँ लेकर ये आया था आदमी, ये सोच रहा था, और बड़ी बड़ी बातें आने के बाद कि मैं ये करूंगा, मैं गरीबों के लिए लड़ना चाहता हूं। अब जब लड़ने के लिए आए थे तो जाहिर सी बात है कि चुनाव तो लड़ना सपना होगा ही, मगर सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने, घर पे बिठा दिया और कहा कि जब हम कहें तो आ जाना प्रचार करने के लिए, और उसके बाद घर पे बैठो, तुम्हें चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब टिकट नहीं दिया, गेट आउट कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल में रास बिहारी सीट से उम्मीदवार बनाने की चर्चा थी। हालांकि मंगलवार को जारी हुई बीजेपी की लिस्ट में इस सीट पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा को दावेदार बनाया है। सुब्रत साहा कश्मीर घाटी में लंबे वक्त काम कर चुके हैं और उन्हें एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के रूप में जाना जाता है। बता दें कि बीजेपी ने मंगलवार को 13 सीट पर दावेदार उतारे हैं। इस सीट पर सुब्रत साहा के दौरान अलावा मतुआ समुदाय के अपने सांसद शांतनु ठाकुर के भाई सुब्रत ठाकुर को गायघाट विधानसभा सीट से टिकट दिया है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी को बालूघाट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। लाहिड़ी को पहले उत्तर बंगाल की अलीपुर द्वार सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते अब उन्हें बालूघाट से उम्मीदवार बनाया गया है। यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का पत्ता साफ हो चुका है। जी हां, मिथुन चक्रवर्ती को टिकट नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इशारों में गेट आउट कह दिया है कि भैया हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे, तुम सिर्फ प्रचार करने के लिए आना, अपना मुँह खोलना और फिर अंदर चले जाना। ये हुई है मिथुन चक्रवर्ती की हालत, जो अपने आप को, जो इतने बड़े स्टार थे। सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस ने जब इन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया था तो राज्यसभा सांसद बनाया था, इन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया था, मगर मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस को धोखा दिया। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर आप ये सोचिए कि वो वापस चले गए कहाँ, भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि तृणमूल को इन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि इनकी डर से हालत पतली हो चुकी थी, क्योंकि इनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आ चुका था, और यही वजह है कि शारदा चिटफंड घोटाले में जब इनका नाम आया तो ये डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए, नाक की तरफ फुंकार मारते हुए गए थे, मगर ये ठंडे हो गए, बिल्कुल इनको चूहा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और आपको बता दें कि इसका अंदेशा पहले से ही था। जी हाँ, जब पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब इनके इंटरव्यूज हुए थे तो एक इंटरव्यू में ये देखने के बाद ये समझ में आ चुका था कि मिथुन चक्रवर्ती का हश्र बुरा होने वाला है। हर सवाल पर उनका जवाब ना था और वो यही कह रहे थे कि ये बड़े लोग, बड़े नेता ही ये फैसला करेंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर वो आदमी बात करने को, यानी कि उसको बोलने के पर प्रतिबंध एक तरह से लगा दिया गया था। आप इस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा एक झलक हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ना महंगाई खत्म कर पा रही, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रही, और जिला की गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, सब्जी भाजी आदमी, आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं
बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, दो राज्यों के किसान, पंजाब के और कुछ कुछ हरियाणा के। अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। आपकी राय जनता जानना चाहती है, तो जब जनता जितना जानना चाहेगी उस वक्त जिस जगह पर होऊंगा वहाँ बोलूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं कभी नहीं बोलूंगा ये कि हाँ या ना। तो आपके दिमाग में कोई सीट है, कोई विधानसभा नहीं है, सीट है जहाँ? अभी मैं दिमाग में ही नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा। पार्टी का मैं इस वक्त जो करना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं ना, मैं लोगों तक लेके जाना चाहता हूँ। कौन कौन सी बातें? वो मैं मिनिस्टर साहब ने सब बात तो मैं बोल नहीं सकता, हम छोटे मोटे लोग हैं, हम इसका जवाब नहीं सकते। अच्छा, बीजेपी में इस समय बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें तमाम नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं, और बीजेपी के भीतर ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जो साफ सुथरे नहीं है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या सरकार बनाने आप, के आप, लिए आप सर अभी एक उड़ता हुआ कौआ मैं आके डाली में बैठा हूँ, आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, अब मुझे यहाँ खत्म की। बहुत बहुत धन्यवाद मिथुन दा। तो देखा आपने कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती की हर सवाल पर बोलती बंद थी, यानी के पास यानी कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, और उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो अंडर प्रेशर है, उन्हें ये एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हालत होने वाली है, और अब वो सामने आ चुका है कि उन्हें टिकट तक नहीं दी गई बंगाल में। हालाँकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा कमी है नेताओं की, वो ढूंढ ढूंढ कर लोगों को पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती टिकट दे रहे हैं, मगर मिथुन चक्रवर्ती को टिकट नहीं दिया। आपकी आवाज